टाइटल देख लिया होगा कि मणिपुर, मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं गए। तो ये एक कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए लिया क्योंकि जब मोदी जी का फ्लैग हास्टिंग का वीडियो शेयर किया तो एक कमेंट मिला कि सारा काम करते हैं मोदी जी मगर मणिपुर नहीं जाते। मैं कोई भिक्षक नहीं, कृपया आप अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस। अपोजिशन ने पार्लियामेंट सेशन से पहले, पार्लियामेंट के बाद भी यही कॉन्सेप्ट थी, मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं गए। तो दोस्तों आपको याद होगा कि ऐसी ही सिचुएशन, एक कड़ी सिचुएशन खड़े रख दिए मोदी जी के सामने जब रशिया यूक्रेन वार हो रहा था। खाली अपोजिशन नहीं, विदेशी शक्तियां भी सारे ट्राई किए कि मोदी जी क्यों नहीं बात करते यूक्रेन के बारे में। उनका क्या थी सीक्रेट उनका मौन रहने का, वो बेस्ट एग्जांपल आपको दिखाना चाहती हूँ। मोदी जी का गवर्नेंस कितना 100% सक्सेसफुल है, ये हर एक का मामला नहीं होता। स्ट्रेट टू द पॉइंट, मोदी जी मणिपुर नहीं जाना ही उसका सोल्यूशन है। क्यों मैं ये कह रही हूँ, जस्ट भारत पॉलिटिकल क्विल स्टोरीज, आपने टाइटल देख लिया होगा कि मणिपुर, मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं गए। तो ये एक कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए लिया क्योंकि जब मोदी जी का फ्लैग हास्टिंग का वीडियो शेयर किया तो एक कमेंट मिला कि सारा काम करते हैं मोदी जी मगर मणिपुर नहीं जाते। जब मैं मार्केट गई तो वहाँ पे 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ बुक्स, ऐसे जैसे वीकलीस ऐसा बुक्स आते हैं ना, वो ऐसे वीकली स्टोरीज में मणिपुर का इश्यू लिखते हैं, मगर एक तरफ की ओरिएंटेशन अगर हम डीपली अंडरस्टैंडिंग करें तो तभी मालूम होता है वो लोग कैसे किस तरफ ओरिएंटेड है और किसको दोषी ठहरा रहे हैं। ऑब्वियसली मोदी जी को दोषी ठहराए, जैसे मणिपुर एक पीस स्टेट था, जैसे बौद्ध धर्म वहाँ से ही शुरू हुआ, ऐसा पीस स्टेट था 60 ईयर से वहाँ में कुछ नहीं हुआ, अचानक इंसर्जेंसी हुई, मोदी जी फेल हुए, यही कॉन्सेप्ट था इन लोगों का। तो ये इस पर शॉर्ट वीडियो नहीं बन सकती है, ये वीडियो कुछ लंबी चलेगी। तो कृपया, मैं कोई भिक्षक नहीं, कृपया आप अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस। अपोजिशन ने पार्लियामेंट सेशन से पहले, पार्लियामेंट के बाद भी यही कॉन्सेप्ट थी, मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं गए। तो क्यों नहीं गए ये वीडियो में आप जानेंगे, प्लीज स्टे ट्यून। वेलकम बैक, मैं ये कहना चाहती हूँ देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस। तो अपोजिशन पार्टीज़ ने सारा पार्लियामेंट टाइम इसलिए बर्बाद किया एक ही बात पर अटके रहे कि मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं गए, मोदी जी बात करो, मोदी जी बात करो, मोदी जी बात करो, यही था उनका एजेंडा। मगर वो लोग 100% ट्राई किए ताकि मणिपुर ऐसा पहली बार जल रही है, इंसर्जेंसी वहाँ पे पहली बार हुई है, जैसे मणिपुर एक पीस स्टेट था वहाँ पे 60 ईयर से कुछ अराजकता नहीं हुई, तो इसको एंटी इनकम्बेंसी में बदलने के लिए वो लोग 100% ट्राई किए और वो कामयाब हुए, पार्लियामेंट टाइम का वेस्ट किया, नहीं तो UCC आती थी। तो मैं कहना चाहती हूँ मणिपुर में अगर मोदी जी क्यों नहीं गए ये समझना है तो हमको गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस का डिफरेंस मालूम पड़ना चाहिए। तो ये लोग अटैक कर रहे हैं गवर्नमेंट और पूछ रहे हैं गवर्नेंस का, तो गवर्नेंस का सीक्रेट्स सारे जनता के सामने नहीं रख सकते। तो ये इसी बात पर वो लोग ट्विस्ट करके जनता के सामने रख रहे, सारा देश घूम के आते हैं मगर मणिपुर नहीं जाते हैं। तो दोस्तों आपको याद होगा कि ऐसी ही सिचुएशन, एक कड़ी सिचुएशन खड़े रख दिए मोदी जी के सामने जब रशिया यूक्रेन वार हो रहा था। खाली अपोजिशन नहीं, विदेशी शक्तियां भी सारे ट्राई किए कि मोदी जी क्यों नहीं बात करते यूक्रेन के बारे में। एक तरफ यूक्रेन एम्बेसडर्स गीता और उस सारे सनातन धर्म के बुक्स का कोट्स लिख रहे हैं और कोट्स आकर TV चैनल्स के ऊपर, जैसे 50% ऑफ द लोग ऐसे थिंक किए कि
मोदी जी क्यों नहीं बात करते, क्यों यूक्रेन को सपोर्ट नहीं देते, कि रशिया को सपोर्ट देना है, ये मामले पर क्यों चर्चा नहीं होती, ऐसे सब लोगों को गुस्सा दिलाने का बहुत कोशिश किया, मगर मोदी जी खामोश रहे। द कंसर्न मिनिस्टर जयशंकर जी ने बखूबी से वर्ल्ड फोरम में बखूबी से उन्होंने समाधान किया कि यूरोपियन प्रॉब्लम्स आर नॉट आवर प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोपियन प्रॉब्लम्स एंड बोल के उन्होंने क्लियर कट समाधान दे दिए। मगर इन लोगों को ये जल रही है कि मोदी जी का, तो मैं पहली बार से बोल रही हूँ देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस, कि वो लोग ये खराब करना चाहते हैं कि वर्ल्ड लीडर का स्टेटस तो ले लिए, अब आंसर करो। ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट को एज ए मोदी जी को, मगर ये जो बात पूछ रहे हैं गवर्नेंस रिलेटेड इश्यू के ऊपर, तो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस। क्योंकि मोदी जी ऐसे ही वर्ल्ड लीडर नहीं बने, बहुत सारे पीएम से इस देश में पीएम बने, प्राइम मिनिस्टर बने, मगर कोई वर्ल्ड लीडर नहीं बने। इसके लिए हार्ड वर्क होने चाहिए, गवर्नेंस पर अपनी काबू होनी चाहिए, क्या करते तो गवर्नेंस स्टेबिलिटी से झेल सकती है देश में, देश की क्या करेक्ट है क्या रॉन्ग है वो मालूम है मोदी जी। इसीलिए कोई भी स्टेटमेंट अगर मोदी जी के जगह पे दूसरे और कोई पीएम होता तो टंग स्प्लिट हो जाती थी, इस देश में बहुत सारे गड़बड़ होने की संभावना होती थी, मगर उन्होंने इतना दबाव डाल के उनका स्टेटस पर क्वेश्चन रखते हुए भी उन्होंने खामोशली अपना गवर्नमेंट को चलाया, वो होती है गवर्नमेंट। तो ये शेर है तो क्या शेर को दर्द नहीं होता, क्या उनको दिल नहीं दुखता? अपोजिशन तो नाटक कर रही है ये समझ में आते हैं, मगर जनता भी ऐसा सोचना मुझे बहुत दुख दे रही है, इसीलिए मैं ये वीडियो कर रही हूँ। मणिपुर के कॉन्सेप्ट में पहले यूक्रेन के कॉन्सेप्ट इसीलिए समझाना चाहती हूँ, कैसे होती है दबाव, तो गवर्नेंस क्या होती है इस पर क्लैरिटी आने के लिए बोल रही हूँ। ऐसे ही दबाव जब नरेंद्र मोदी जी पर जब यूक्रेन रशिया वॉर शुरू होती है तो तब उन पर दबाव लगा, तो तब उन्होंने कुछ स्टेटमेंट नहीं दिए, इस पर भी चर्चा करे अपोजिशन में, इस पर भी अटैक कर रहे थे वर्ल्ड फोरम से, तब उन्होंने कंसर्न मिनिस्टर जयशंकर जी से वर्ल्ड फोरम्स को अपोजिशन को अटेंड करने के लिए बोला और उन्होंने अपना गवर्नेंस किया। ये होती है गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या कर रहे उन्होंने, वो है ऑपरेशन गंगा। तो उनका क्या थी सीक्रेट उनका मौन रहने का, वो है फेवरिज्म में चली जाती है। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट दिया ऐसे वॉर जोन टाइम पर तो एक तरफ की फेवरिज्म में चली जाती है। यूक्रेन से इंडिया का रिलेशन है, यूक्रेन से रशिया से बेस्ट फ्रेंड्स रिलेशनशिप है, ये दोनों बर्बाद हो गए तो वहाँ पे फंसे हुए हमारे 20,000 जनता का क्या हाल होगी। तो उन्होंने ये गाली गलौज पर टाइम वेस्ट ना करते हुए ऑपरेशन गंगा शुरू की है। ये होती है गवर्नेंस और गवर्नमेंट में डिफरेंस। ये गवर्नेंस का काम करना हर एक का मामला नहीं होता है, ये मोदी जी ने करके दिखाया गवर्नेंस क्या होती है ऑपरेशन गंगा से। ये वर्ड वेवरिज्म छोटी लगेगी, सिल्ली लगेगी, ये कोई सीक्रेट है, मगर ये सीक्रेट है। गवर्नेंस चलाते वक्त ये ज़रूरी है, क्योंकि यूक्रेन ने कुछ गीता कोट किया इसलिए उनके फेवर में एक स्टेटमेंट देना, रशिया अपना बेस्ट फ्रेंड है उन पर एक स्टेटमेंट देना, ये कोई अकलमंद प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं होती। मगर इसका मैं एक फाइनेस्ट एग्जांपल आपको दिखाना चाहती हूँ, मोदी जी का गवर्नेंस कितना 100% सक्सेसफुल है। ये हर एक का मामला नहीं होता, हर एक नहीं कर सकते, इसका एग्जाम्पल हमारे इंडिया में ही हुआ प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। ऐसे ही दबाव में आकल उन्होंने श्रीलंका के इश्यू पर एक स्टेटमेंट देकर उस स्टेटमेंट को सही साबित करते हुए अपना फोर्सेस वहां पे भेजकर लास्ट में क्या हुआ, अगर वो विदेशी महिला अपने पति को जाने के लिए कुछ दुखित होती तो आज मणिपुर इश्यू में कंधे से कंधा मिलाकर मोदी जी के साथ चलती, उनका सपोर्ट देती, मगर विदेशी महिला रहती है। वो गलतियाँ ऑलरेडी एक बार एक प्राइम मिनिस्टर ने करके दिखाया और उसका नुकसान हम देशवासियों ने भरपूर भरा है।
ये आप कैसे भूल जाते हैं। गांधी जी ने घर दिया, तब यहाँ पे भी बुद्धिजीवी थे, ऐसा ही उन पर दबाव डाले, उस दबाव के नीचे आ गए और उनका खेल खत्म हो गया। फॉरेन इशू है, मणिपुर तो स्टेट इशू है, मोदी जी क्यों नहीं गया, यही था अपोजिशन का एलिगेशन। हम मणिपुर गए, आप क्यों नहीं जाते मणिपुर, यही वो एलिगेशन लगा रहे हैं। आप तो चोरी छुपी मानसरोवर से चाइना भी जाके आए, क्या देशवासियों को नहीं मालूम है क्यों आपने क्यों चोरी छुपे गए? क्योंकि आपका टिकट चाइना का नहीं कटवाना है, इसीलिए विदेशी महिला उनका पुत्र चोरी छुपके मानव सरोवर से चाइना जाके आए। तो ये मामला वो नहीं है। मोदी जी ने स्टेटमेंट दी बिफोर पार्लियामेंट सेशन में, स्मृति ईरानी जी, अमित शाह जी, निर्मला सीतारमन जी भी मणिपुर स्टेटमेंट में हम देख रहे हैं, वहाँ पे काम हो रही है बोल के, तो बोलिए इनको आश्वासन नहीं हुआ। मोदी जी जब जिगर का टुकड़ा बोले तो वो लोग पार्लियामेंट सेशन वॉकआउट करके गए, वॉकआउट करके गए। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन किस लिए लाया, किस वजह से वॉकआउट करके गए, उनको ये मणिपुर का इशू वो सुने ही नहीं, तो उनको कैसे मालूम होगे? स्ट्रेट टू द पॉइंट, मोदी जी मणिपुर नहीं जाना ही उसका सॉल्यूशन है। क्यों मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि ये सारा मणिपुर का इंसर्जेंसी जो 2023 अप्रैल में स्टार्ट हुई, उसका कारण है बैरन सिंह जी गवर्नमेंट में जो SOO एग्रीमेंट खारिज करा, इसकी वजह से शुरू हुई ये बात कोई नहीं बताएंगे। वो 200 रुपीज़ 100 रुपीज़ बुक में भी मणिपुर इश्यू के बारे में लिखते हैं, वो भी ये कहते हैं कि कुकी मिलिशेंट ग्रुप से BJP ने दोस्ती की, इलेक्शन जीती और बाद में SOO एग्रीमेंट खारिज कर दी। तो कैसे चल सकती है पेन विथ गन, कैसे गवर्नमेंट चल सकती है? तो कोई मैं फाइनेस्ट एग्जांपल देती हूँ, नेपाल, वहाँ पे मोनार्की हटा के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सो कॉल्ड उसको सेकुलर बना दिया हिंदुत्व से लेकर, मगर वहाँ पे गवर्नेंस नहीं चल रही। क्यों? माओइस्ट के साथ कैसे गवर्नमेंट चलती है? एक पेन एंड गन से साथ गवर्नेंस कहीं चलते हुए मैं तो नहीं देखी। क्या आपने देखा? नहीं चलेगी। तो मोदी जी 2022 में एक स्टेटमेंट दिया कि वो स्टेटमेंट पे अटे रखते हैं, उन्होंने कहा नक्सल्स विद पेन और गन शुड बी अपरूटेड, वही हो रहा है मणिपुर में, उसमें मोदी जी को जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो फेवरिज्म भड़केगी तो और इंसर्जेंसी भड़कने का चांसेस है, इसीलिए मोदी जी खामोश है और मणिपुर नहीं गए। मणिपुर गए तो कुकी को समाधान करना पड़ता है, माइटिको को समाधान पड़ता है, वो इतने डीपली वो हर्टेड है कि वो स्वाभिमान से वहाँ पे लड़ रहे हैं। तो मैं गीता से कोट करना चाहती हूँ, कृष्ण जी ने कहा अर्जुन को युद्ध के बीच में शांति का संदेश कुछ का लाभ नहीं होती। तो अगर मोदी जी गए तो भी वहाँ पे कोई शांति पहलने वाला नहीं, वो जब क्योंकि वो लोग विश्वास खो दिए एक दूसरे के ऊपर और गवर्नमेंट के ऊपर भी। जब वो शांति में आएंगे, जब जीना चाहते हैं, तब गवर्नेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ये बात मोदी जी बहुत जानते थे, तब होगी टास्क, तब होगी कैसे चलना है गवर्नेंस वहाँ पे, वो सोचा जाएगा, उसका ऑलरेडी मोदी जी के पास है। मैं अपोजिशन से कहना चाहती हूँ, जो मणिपुर का इश्यू 60 ईयर्स से आप एक ताला रख के रखा है, वो आप अपने पॉकेट में रखिए, मोदी जी आपके पॉकेट से ही उसका सोल्यूशन निकालेंगे। एक देखते रहिए और लिख के रखिए, क्योंकि मोदी जी अगर अगस्त 15 से कुछ ऐलान कर दिया तो वो करके दिखाएंगे, ये उनका गवर्नेंस का स्टाइल है, जो मैंने 9 ईयर्स 10 ईयर्स से उनको देखने पर मुझे समझ में आएगी। तो मोदी जी फेवरिज्म करने के लिए स्टेटमेंट्स स्टाइलिश स्टेटमेंट्स नहीं, गवर्नमेंट्स पे ही उनका नज़र रखती है, वो ही करते हैं। जो रिसेंटली हम इक्विडोर का न्यूज़ देखे तो पीटर ग्रियास एक पॉलिटिकल लीडर है, उनको मार दिया गया है, क्योंकि उन्होंने जस्ट माफिया के ऊपर मैं कार्रवाई करूँगा, ऐसा आने वाले दिन में कार्रवाई करूँगा बोल के एक स्टेटमेंट देने पर ही उनको मार दिया गया। ऐसा होती है ड्रग माफिया का नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशंस। तो मणिपुर तो फुल ऑफ ड्रग माफिया है, कोई किसी पर विश्वास भी नहीं कर रही है।
बायरन सिंह जी कड़ी नज़र 24/7 वहाँ पे काम कर रहे हैं, कैसे वो काम कर सकते हैं मिलिट्री ग्रुप से, वहाँ को गवर्नेंस चलाने का ये मजबूरी उनका क्या है? तो क्या हुआ उनको कुकी से वो रिलेशन से कट कर दिया, तो ये इंसर्जेंसी में वो लोग भड़कने का क्या उनका गलती नहीं है? तो अगर वो सच्ची में गन डाउन करना चाहते हैं, गवर्नमेंट के साथ चलना चाहते, तो ये इंसर्जेंसी कैसे बना? क्वेश्चन उनके ऊपर आना चाहिए मगर मोदी जी के ऊपर आ रहा है उल्टा। तो ये सोची समझी साजिश जिसमें मुझे लग रहे है, वो अब जाइए बोलने क्या कुछ मोदी जी के अगेंस्ट इन्होंने कुछ साजिश बनाया, ये तो सोचने वाली बात है। आप भी सोचिए। होप आप सबको इस वीडियो कुछ इन्फॉर्मेशन लगा, तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर एक वीडियो में मिलने तक मैं लेते हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत।